एनआर कॉम्पिटिटिव क्लासेस में मैं हेमंत कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 9। इससे पहले हमने 8 पढ़ा दिए और टॉपिक भी कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। 100 से ज़्यादा वीडियो डले हुए हैं हमारे मैथ्स के। आपका जो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है आप वहाँ देख सकते हैं और अच्छे से गणित सीखो। ठीक है, स्टार्ट करते। पहला प्रश्न, 11,200 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक सही 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज वार्षिक दे। देखो ये बराबर क्या होता है फॉर्मूला हमारा, P1 + A = P1 + R/100 की पावर n। ये मिश्रधन होता है, P मूलधन होता है, R दर होती है, n समय होता है। ठीक है, मैंने बताया है आपको टॉपिक में कि जब समय सही बटे में दिया हो तो फॉर्मूला कैसे खुलता है, A = P1 + R/100। यहाँ पर आ जाता है ये एक, फिर वापस लिखते हैं 1 + R/100 इंटू में जो भी बचता है यहाँ पर आ जाएगा 1/2। ठीक है, P कितना है हमारा 11,200, 1 + R कितनी है 10/100 की पावर 1, 1 + R कितनी है 10/100 इंटू 1/2। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा 11,200 इंटू 0 से 0 कटे 10 एकम 10 और 1 11/10 इंटू 0 से 0 कट गया 20 एकम 20 और 1 21/20। ये 0 से 0 कट गए 2 से, तो 2 से काट देते हैं इसको 56 बार में। ठीक है, तो मतलब 56 × 11 × 21 ये हमें गुणा करना है। ठीक है, काट देते हैं हम, जैसे पहले गुणा कर लें 56 और 21 का कर लिया। ठीक है कि 6 एकम 6, 6 दूना 12 और 5 17 की 7 हासिल की 1, 5 दूना 10 और 1 11, 1176 तो ये हो गया। और एक अब 11 का गुणा करना है, तो 11 से 66 की 6 हासिल की 6, 11 7 77 78 79 81 77 77 78 79 80 81 82 83 हासिल की 8, 11 11 121 और 8 129। ठीक है, 12,936 तो हमारा क्या आ गया मिश्रधन। अब मिश्रधन में से अगर हम मूलधन माइनस कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है ब्याज। ठीक है, तो 11,200 को हम माइनस कर देते हैं तो 6 3 9 में से 2 गए 7 2 में से 1736, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है। दोस्तों ध्यान से वीडियो देखा करो और अच्छे से समझा करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक छतरी का अंकित मूल्य 162 रुपये तथा विक्रय मूल्य 135 रुपये है तो बट्टे की दर क्या है। देखो अंकित मूल्य कितना है 162 रुपये। ठीक है, बट्टा कैसे देते हैं 100 में से कम करके, तो 100 - x/100 बराबर कितना होना चाहिए 135। ठीक है, अब हम काट लेते हैं, 2 से काट लिया हमने 50 बार में और 2 से काट लिया 2 8 16 और 2 1 कम। ठीक है, अब हम काट लेते हैं 3 से कि 27 81 और 3 से काटा 3 4 12 और 3 5 15। 9 से काट लेते हैं 9 5 45 और 9 3 27। ठीक है, 50 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 250। और इधर कितना बचा है 3 × 100 - x = 250। ये हो जाएगा 300 - 3x = 250। 300 में से 250 जाएंगे तो कितना बचेगा 50 = 3x। 50 में 3 से भाग देंगे अपन तो 16 3 48 2 50। ठीक है, 50 में 3 से भाग देंगे तो 16 सही 2/3% आ जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा सही। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए।
₹500 का पर 40% बट्टा तथा इसी धन पर 36% और 4% के दो क्रमागत बट्टों का अंतर कितना है? ठीक है, 500 पे 40% बट्टा दे दिया तो कितना बचेगा? 100 में से 40 कम हो जाए तो 60/100। ठीक है, अब दूसरा 500 पे 36% बट्टा दिया तो कितना? 64/100, और 4% बट्टा तो 96/100। इन दोनों का क्या निकालना है हमें अंतर? दो जीरो से दो जीरो कट गए, 6 5 30, तो ये आ गया 300। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 5 से कट जाएगा ये 20 बार में, और 2 से कट जाएगा ये 10 बार में, और 2 से कट गया ये 48 बार में। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, 64 और 48 का गुणा कर लेते हैं। 64 और 48 का फिर 10 से भागते हैं, 8 चौक 32 की 2 हासिल की 3, 6 8 48 और 4 चौक 16, 48 16 और 3 कितना हो जाएगा? 8 6 14 15 16 17 ही 7 हासिल की 1 4 1 5 और 1 6 67 की 7 हासिल की 6 6 चौक 24 और 6 30, तो 30 दशमलव, ये 3072 आ गया। 10 से भाग दे देंगे तो 1 0 दशमलव यहाँ लग जाएगा। ठीक है, तो 307.2 आ गया। ठीक है, तो कितना अंतर है? 7.20 का। तो डी ऑप्शन सही है, थोड़ा तसल्ली से अच्छे से हल करना है ना। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? डी। अब अगला चौथे नंबर का प्रश्न देखिए कि एक कक्षा के विद्यार्थियों की औसत आयु 15.8 वर्ष है। यदि कक्षा के लड़कों की औसत आयु 16.4 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 15.4 वर्ष है, तो कक्षा में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का क्या अनुपात है? देखो, हम मिश्रण का टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हमें 3 इकाई दी होती हैं, तो हम क्या लगा देते हैं? मिश्रण कब लगाते हैं? 3 इकाई। अब देखो, पहली इकाई में लड़कों का कितना है? लड़कों का 16.4 है। ठीक है, और दूसरी इकाई में लड़कियों का कितना है? 15.4 है। और कुल इकाई को बीच में लिखते हैं, कुल को कहाँ लिखते हैं? बीच में, तो कितना है? 15.8। ठीक है, ये मिश्रण लगा दिया, फिर ऐसे घटाते इधर से इधर और इधर से इधर, 15.8 में से 15.4 जाएंगे तो कितना बचेगा? 0.4। 16.4 में से 15.8 जाएंगे। देखो, दो तो यहां, दो यहां बचे तो 16 हो जाएंगे, 4 यहां बचे तो कितना बचेगा? 0.6। ठीक है, 0.6 से 0.6 कट जाएगा, 2 दूना 4, जैसे 4 और 6 हो गए, तो 2 दूना 4 और 2 3 6, तो 2:3 आएगा। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, कौन सा ऑप्शन होगा? डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जब इस तरीके से इकाई आ जाएंगी तो आपको ये क्या होना चाहिए क्वेश्चन की वर्डिंग, पहली इकाई, दूसरी इकाई और कुल इकाई, तो क्या लगा सकते हो आप? मिश्रण, इधर से इधर घटाते हैं, इधर से इधर घटाते हैं, बड़े में से छोटा घटाते हैं। ठीक है, और अगर आपका मिश्रण का टॉपिक कंप्लीट नहीं हो तो वीडियो देख लेना चैनल पर जाके। ठीक है, अगला प्रश्न बात करते हैं। किसी सप्ताह में सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड तथा मंगलवार से गुरुवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो गुरुवार का तापमान कितना है? देखो, आपको एक बात ध्यान रखना है कि औसत बराबर क्या होता है? योग बटे संख्या। ठीक है, अब हमें योग निकालना है तो औसत का संख्या से गुणा हो जाएगा। तो देखो, सोमवार से बुधवार बोला है, मतलब सोमवार प्लस मंगलवार प्लस बुधवार, ये 3 दिन हो गए। ठीक है, औसत कितना था? 37, और संख्या कितनी हो गई? 3, तो ये योग हो जाएगा। 7 3 21 की 1 हासिल की 2 और 3 3 9 2 11, 111 डिग्री हो गया। अब आगे बात करते हैं मंगलवार, तो मंगलवार प्लस बुधवार प्लस गुरुवार कितना था? 34 डिग्री, तो 34 × 3, 4 3 12 ही 2, हासिल किए 3 3 9 1 10, 102 आ गया। बड़े में से छोटा घटा देते हैं, 111 में से 102 घटाया तो कितना बचा? 9, तो इधर से मंगलवार घट जाएगा, बुधवार से बुधवार घट जाएगा, ये कट जाएंगे तो क्या बचेगा इधर? सोमवार माइनस गुरुवार।
ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है, ठीक है। तो गुरुवार बटे सोमवार बराबर कितना हो गया, 4/5। यहाँ एक्स लगा देते हैं, तो सोमवार की जगह पर कितना लिख सकता हूँ, 5x, और गुरुवार की जगह पर 4x, बराबर 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। तो गुरुवार का पूछा है, गुरुवार का कितना है 4x, तो 4 × 9 बराबर कितना हो जाएगा, 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब अगला सवाल बात करते हैं कि किसी संख्या के 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 15 है, इन संख्या का 40% क्या होगा। एक संख्या मान ली x, इसके 2/5 भाग के 1/3 का 1/4 कितना है, 15, ठीक है। 2 से काट दिया 2 बार, 5 × 15 = 30, 30 का 15 में गुणा कर देंगे तो 450 क्या आ गई, संख्या आ गई, 15 × 3 = 45, 5 × 15 = 30, 30 का 450। अब वो क्या पूछा, उस संख्या का 40%, तो 450 का 40% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 45 चौक कितना होता है, 180। तो हमारा कौन सा, बी ऑप्शन सही, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, एक परीक्षा में 100 छात्रों के प्राप्त अंकों का औसत 40 है, बाद में पता लगा कि एक छात्र के प्राप्त अंक 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिए गए, अब सही औसत क्या है। देखो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या, ठीक है। अब मुझे योग निकालना हो तो औसत में संख्या से गुणा कर देता हूँ, तो मतलब औसत तो 40 है और संख्या 100 है, 100 छात्र थे, तो इनका योग कितना आ गया, 4000, ठीक है। पता चला है कि 53 के स्थान पर 83 पढ़ लिया है, ठीक है, मतलब 83 के स्थान पर 83 पढ़ा है, मतलब कितना ज्यादा पढ़ा है, तो 0 30 ज्यादा पढ़ा है, तो 4000 में से 30 को घटा दो तो कितना बच जाएगा, 3970 39, 70, ठीक है। 10 0 से 0, 10 में से 3 गए तो 7, 10 में से 11 9, और 4 में से 11 तो 3 39 70। अब ये तो योग आ गया, वो कितने लोगों का है, 100 का, तो 1 0 से 1 0 और 1 0 से यहाँ 10 मतलब लग जाएगा, तो 39.7, ये सही औसत था, उसने सही औसत पूछा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही है, बी। अगला प्रश्न बात करते हैं, 50 को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 हो तो ये भाग क्या होंगे। देखो हमें जब भी किसी संख्या का बंटवारा करना होता है, जैसे 50 को 2 भागों में बांटना है, तो एक को x मान लेते हैं और एक को मान लेते हैं कुल टोटल माइनस x, कुल क्या है यहाँ पर 50, तो 50। अब उसने बोला है कि इनके व्युत्क्रमों का योग, एक्स का व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, तो 1/x हो जाएगा, और 50 - x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, 1/50 - x बराबर इनका योग कितना हो जाता है, 1/12, ठीक है। इसका एलसीएम ले लेते, इधर 13 गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 50 - x + x/x, 50 - x = 1/12, ये तो ये कट गया, 12 × 5 = 60, मतलब 600 बराबर 50x - x², ठीक है। इसको आगे ऊपर ऐसे लिख लें पहले तो कि 0 = 50x - x² - 600, ठीक है। अब माइनस अगर पूरे में से कॉमन ले लेंगे तो ऐसे हो जाएगा कि x² जो माइनस की संख्या है वो प्लस की हो जाएगी और प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी, तो x² - 50x + 600 = 0। अब 50 के हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जिनका योग जोड़ने घटाने पर तो 50 आना चाहिए, योग गुणा करने पर 600 आना चाहिए, तो x² - 30x - 20x + 600 = 0। देखो 30 और 20 को अगर जोड़ोगे, माइनस के हैं तो माइनस का 50x हो जाएगा, और 30 और 20 का गुणा करोगे तो प्लस का 600 आ जाएगा। तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, तो x - 30, यहाँ से 20 कॉमन ले लिया, तो x - 30 = 0।
तो ये क्या बन गया, x माइनस 20 और एक बन गया x माइनस 30 बराबर 0। जब इनकी 0 से तुलना करेंगे तो एक x की वैल्यू 20 आ जाएगी और एक 30 आ जाएगी, ठीक है। तो क्या आंसर है, 20 और 30, ठीक है। यहाँ ऑप्शन नहीं लिखे इस क्वेश्चन में, इसका आंसर होगा 20 और 30, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, तीन संख्याओं का योग 98 है, 98 है, यदि प्रथम तथा द्वितीय संख्या का अनुपात 2:3 और द्वितीय और तृतीय संख्या का अनुपात 5:3 है तो द्वितीय संख्या क्या है। देखो तीन संख्या है तो पहली दूसरी और तीसरी, पहली और तीसरी का अनुपात कितना है 2:3 और दूसरी और तीसरी का कितना है 5:3, ऐसे लिखते हैं। फिर नीचे वाली संख्या रहती है ना जो डबल आती है उसका ऊपर गुणा करते हैं तो 5 × 2 = 10, फिर खुद के हुए 5 × 3 = 15 और लास्ट में उल्टा करते हैं, सॉरी 3 × 9, ये तो इनका अनुपात आ गया। टोटल कितना है 98, निकालना किसके लिए, बीच वाली दूसरी के लिए, तो इंटू 15 जोड़ के टोटल को नीचे लिख देते हैं, तो 15 × 10 = 25 और 9 = 34 हो जाएगा, ठीक है। दो से काट लेते हैं, 2 × 4 = 8, 2 × 9 = 18 और 2 से काटा 17 बार, ठीक है। देखो पहले इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है, 15 × 9 = 135 × 5 = 13, 15 × 4 = 60 और 13 × 73 = 735 आ जाएगा, अब बटे 17। अब 17 से भाग देंगे तो इन विकल्प में हमें 17 दिखना चाहिए ना नीचे, ठीक है, सही बटे में है, तो कौन सा विकल्प आएगा, डी, क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का योग 184 है, यदि एक संख्या का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है तो छोटी संख्या क्या है। देखो दो संख्या हमने x और y मान ली, इनका योग 184 दे रखा है, अब उसने कहा एक संख्या का एक तिहाई मतलब x का एक तिहाई दूसरी संख्या के 7वें भाग मतलब 1/7 से 8 अधिक है, तो इसमें 8 जोड़ देते हैं, अभी क्या हो गए बराबर, तो x/3 − y/7 = कितना है, इधर गुणा कर दें तो 7x − 3y = 7×21 × 8, तो 8 × 8 = 168 आ गया। अब हमें निकालना क्या है, छोटी संख्या मतलब y निकालना है, तो यहाँ अगर हम x में 7 का गुणा कर देते हैं तो y बच जाएगा, ठीक है, 7 × 7 7x + 7y = कितना हो जाएगा हमारा, 7 × 4 यहाँ से इधर लिख देता हूँ कि 7x − 3y = कितना आ गया 168, ठीक है। अब इस समीकरण एक में हम 7 का गुणा कर रहे हैं तो 7x + 7y = 7 × 28 की 8 · 2, 7 × 2 = 56, 2 × 58 की 8 · 5, 7 × 7 = 12, 1288 हो गया, ठीक है। अब घटाने पर कर देते हैं तो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, ये कट गया, ये कितना हो जाएगा, −3y और −10y, 1288 में से आप 168 को घटा लो, ठीक है, 8 में से 8 गए 0, 8 में से 6 गए 2 और तो 1120 बच जाएगा, ठीक है, वो भी माइनस का, 0 से 0 कट जाएगी तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 112, ठीक है। अब हम x भी इस ऑप्शनों में नहीं दिखी तो x की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पर रख देते हैं कि x + 112 = कितना 184, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 2 गए तो 6 और 18 में से 11 गए तो 7, तो 76 आंसर हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 76, जो कि सी ऑप्शन है। देखो आपको पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझाए जा रहे हैं तो आप ध्यान से समझना है, ठीक है। अधिकतर प्रश्नों में बाई की वैल्यू छोटी संख्या आती है,
लेकिन यहां पर नहीं आई है तो आपको दोनों को देख लेना है ना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु विमल की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु विमल की आयु की 5/3 होगी। विमल की आयु कितनी? देखो, हमें सबसे पहले कहाँ से बात की है कि 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु, सुशील लिखा हुआ है, सुशील की आयु विमल की आयु की 3 गुनी थी। तो विमल एक्स और सुशील 3x। कब था? 6 साल पहले था। अब पहले से आप आज तक आए होगे तो आपकी आयु बड़ी है, तो मतलब वर्तमान में जाते हैं तो वो जुड़ जाती है, 6 जुड़ गए। ठीक है, ये तो वर्तमान में पहुंच गए। अब बोला है कि 6 वर्ष बाद, तो आज से 6 साल बाद जाएंगे तो फिर से आयु बढ़ेगी, तो +6 हो गया, एक्स +6 +6 कहाँ तक पहुंच गए हम? 6 वर्ष बाद तक। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया है कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु विमल की आयु भी 5/3 हो गई, तो विमल की आयु का 5/3 निकाल दिए। ठीक है, ये कितना हो गया? 3x+12 बराबर इंटू इसमें 3 का हो जाएगा, 3 के ऊपर ये कितना हो गया? x+12 और इसमें कितना गुना हो जाएगा? 5 का। 9x+36 बराबर 5x+12 = 60। 9x में से 5x गए तो कितना बचेगा? 4x, और 60 में से 36 गए तो 24, तो 4×6=24। x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। किसकी पूछा? विमल की वर्तमान आयु, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। तो विमल 12 साल का है, वर्तमान का ये है 3x+6 और x+6। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उसी आयु का है, और अगर आपका आयु कंप्लीट नहीं है तो आप देखना जाके। 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु से 2 गुनी थी। 10 वर्ष बाद सचिन की आयु 40 वर्ष है, तो अरुण की वर्तमान आयु क्या है? देखो, 10 वर्ष पूर्व सचिन की आयु अरुण की आयु से 2 गुनी थी। ठीक है, तो अरुण एक्स, सचिन 2x, ये 10 साल पहले थी, वर्तमान में कितना हो जाएगा? 2x+10 और x+10। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि 10 वर्ष बाद सचिन की 40 होगी, तो अब 10 और जुड़ जाएंगे, तो 2x+10+10 बराबर कितना हो गया? 40। तो 2x बराबर 40 में से 20 गए तो 20, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। ठीक है, अभी वर्तमान में रखना है, तो 10 और 10 20। अरुण कितने साल का है? 20 साल का। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन सही है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा वीडियो है, सारे टॉपिकों से बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, आप प्रैक्टिस सेट लगाया करो, ये 9वें नंबर का चल रहा है, और जो भी टॉपिक कंप्लीट नहीं है आप उन टॉपिकों को भी कंप्लीट करो, रोज़ाना अच्छे से देखा करो आप। ठीक है, आपको गणित बहुत आसान लगने लग जाएगा, और हम बिल्कुल बेसिक मेथड से गणित सिखाते हैं। ठीक है, जिससे कि कोई समस्या ना रहे। दोस्तों, अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पे आप देख के देखोगे लगभग 500 वीडियो डले हुए हैं। ठीक है, सारे विषयों के डले हुए हैं, आप जो भी वीडियो देखोगे, जीके की हम बात करें तो बहुत आसान ट्रिक से पढ़ाते हैं। आप जो भी वीडियो देखें खोल के, आप देखना उस वीडियो की टाइमिंग, देखना कि कितने कम समय में कितना ज़्यादा पढ़ाया गया है। हम चैनल पे सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, आप देखना हमारे, अभी तो हम कॉपी पे वीडियो अपलोड करते हैं, पहले हम बोर्ड पे फेस टू फेस दिखते भी थे, तो उन वीडियो को भी देखना, हम ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो मिलते फिर कल अगले वीडियो में, धन्यवाद।